और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के करनाल से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पुलिस और एटीएस की टीम ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर बताया जा रहा है कि इन चारों के पास से कुछ विस्फोटक भी बरामद हुआ है और अब वहां इस विस्फोटक को डिफ्यूज करने की तैयारी चल रही है। ये विस्फोटक एक कार में रखा हुआ था जो कि बरामद किया गया। करनाल से ये 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इस विस्फोटक को डिफ्यूज करने की अब तैयारी चल रही है। चमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चमन, कब और कैसे ये गिरफ्तारी हुई और अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, हरियाणा के करनाल के जो मैं जो है 4 आतंकवादी जो आतंकवादी है उनको फिलहाल हरियाणा पुलिस ने जो है गिरफ्तार किया है। और दिल्ली नंबर जो गाड़ी इनोवा है वो उसमें ये आतंकवादी जो थे वो की सूचना जो थी वो मिली थी और उसी पे ये आए हुए थे। और उस इनोवा गाड़ी को भी जो है पुलिस ने पकड़ा है और साथ ही उस गाड़ी में कुछ जो है विस्फोटक सामग्री भी होने की सूचना जो है अभी मिल रही है। लेकिन अभी तक ये पुलिस के अनुसार अभी पता नहीं लग पाया कि उससे क्या विस्फोटक है, क्योंकि अभी तक पुलिस की जो बम निरोधक जो गाड़ी है वो वहां पर पहुंची हुई है और रोबोट जो मशीन है वो भी उस इनोवा गाड़ी के पास जो है लगाई गई है ताकि उस इनोवा गाड़ी से पता लग सके कि वो किस तरह का विस्फोटक इस गाड़ी में हो सकता है। और कुछ जो गोलियों के जो कारतूस है वो भी इन 4 आतंकवादियों से मिले हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है पुलिस जो है इन 4 संदिग्ध आतंकवादियों से जो है अभी पूछताछ कर रही है और करनाल के मधुबन जो पुलिस थाना है वहां पर जो है ये कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल। चमन, क्या चेकिंग के दौरान इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई या फिर किसी तरह की कोई सूचना मिली थी, कोई खुफिया जानकारी पुलिस को मिली थी? पुलिस के पास कुछ खुफिया जानकारी थी, उसी के आधार पर जो है पुलिस ने जो है इस इन 4 आतंकवादियों को पकड़ा है। और करनाल के किसी एक टोल प्लाजा बताया जा रहा है वहां पर सुबह 4 बजे के करीब जो है वो इन 4 आतंकवादियों को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया। उसके बाद इनसे जो है तभी से लेकर जो है पूछताछ जो है चल रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो इनोवा गाड़ी जो मिली है वो दिल्ली नंबर बताई जा रही है और उसके आसपास जो है वो अभी जो है पुलिस जो है वो मिट्टी के जो बोरे हैं बड़े बड़े वो भर के रखे जा रहे हैं ताकि इसमें कोई विस्फोटक ना हो और वो ना फट जाए, ताकि वहां पर ये नहीं पता लग जाएगी कि और इस गाड़ी में क्या क्या है। इसी वजह से रोबोट मशीन के जरिए जो है वो इस गाड़ी की जो है अभी जांच चल रही है और जो पुलिस जो है वो पूरी इस मामले की छानबीन कर रही है और ये 4 आतंकवादियों से भी पूरे मामले पर पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन आज सुबह 4 बजे टोल प्लाजा से इन 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है और लगातार इनसे पूछताछ जारी है और इसके साथ ही भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है जिसे डिफ्यूज करने की तैयारी भी चल रही है। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस गाड़ी में ये 4 आतंकवादी सवार थे वो दिल्ली के नंबर की बताई जा रही है। ऐसे में सीधे तौर पर राजधानी दिल्ली से भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन बड़े पैमाने पर इन 4 आतंकवादियों के तार किन किन लोगों से जुड़े हुए थे, किस तरीके से फैले हुए थे, इन तमाम एंगल पर जांच इस वक्त जारी है। लेकिन इसके साथ ही सीधी तस्वीर आप देखिए, यही वो भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है जिसे डिफ्यूज करने को लेकर अब कदम बढ़ाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही ये इनोवा कार भी आप देख सकते हैं, इन्हीं कार में सवार थे ये 4 आतंकवादी जिनकी गिरफ्तारी हुई है। आज सुबह 4 बजे खुफिया जानकारी मिली थी इनको लेकर और ऐसे में अब कई सवाल उठते हुए कि मंशा क्या कुछ थी, किस तरीके का प्लान इनकी तरफ से बनाया गया था जो कि ये यहां से निकले थे और फिर हरियाणा में जब वो दाखिल हुए तो इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब एटीएस की टीम लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। लेकिन इसके साथ ही ये बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आप देखिए, आईईडी और पिस्तौल बरामद हुआ है ये जानकारी सामने आ रही है और भारी मात्रा में विस्फोट, यानी कि एक बड़ी और गहरी साजिश थी कहीं पर ये धमाका करने की। लेकिन उससे पहले ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, करनाल से ये 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ऐसे में इनसे पूछताछ के बाद ही ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से इनके तार अलग अलग राज्यों से या फिर किस तरीके से इनके लिंक इस पूरे राज्य में फैले हुए थे, क्या कुछ प्लान था, किस तैयारी के साथ ये यहां पर इतना गोला बारूद लेकर आए थे। ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके अब जवाब तलाशती हुई एटीएस की टीम और स्थानीय पुलिस नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी, बड़ी सफलता हाथ लगी है, 4 आतंकवादी फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं।